हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिट द बुक्स विद नीलिमा। आज हम कर लेते हैं लेसन ब्लू बीड का समरी। यह एक स्टोरी है, नोरा बर्के द्वारा ये रचित है। नोरा बर्के इसकी राइटर हैं और ये ICSE पाठ्यक्रम की क्लास 10th का लेसन है। तो देख लेते हैं ब्लू बीड। बीड किसे कहते हैं? बीड कहते हैं वो मोती जिनसे नेकलेस बनते हैं। और यह दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल गर्ल हुज नेम वाज सीविया। सीविया होती है और उसका उसकी उम्र होती है 12 साल। और गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की है जो कि लोगों के खेतों में काम करती है। वह और उसकी माँ जो है वो घास काटने का काम करती हैं। और सीविया जो है वो एक बहुत ही गरीब लड़की है। यहाँ तक कि जब वह अपने आसपास की महिलाओं को जो है बीड्स के नेकलेसेस पहने हुए देखती है तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि उसके पास भी एक इस टाइप का नेकलेस होना चाहिए। लेकिन नेकलेस के लिए बीड्स खरीदना तो दूर की बात है, उसके पास तो उनको पिरोने के लिए जो है अगर मान लीजिए कहीं से उसे बीड्स मिल जाता ना, उसकी गरीबी का आलम यह था कि उसके पास तो नीडल भी नहीं थी। नीडल यानी कि सुई, जिससे वो उन बीड्स को पिरो के अपने लिए नेकलेस बना सके। आगे स्टोरी चलती है और एक दिन सीबिया अन्य महिलाएं, गांव की महिलाओं और अपनी माँ के साथ जो है घास काटने के लिए जंगल में जाती है। अब जंगल के अंदर जो है इन लोगों को जंगल को मतलब जंगल में पहुंचने के लिए एक रिवर होती है जिसका नाम ग्रेट इंडियन रिवर होता है और उसके ऊपर एक पुल बना हुआ होता है। वहां से उनको निकलना पड़ेगा, तो रास्ते में पुल पड़ता था जिसको पार करके ही जंगल में जाया जा सकता था। एंड द रिवर वॉज वेरी फेमस फॉर द क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत कुख्यात थी नदी, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स है, बहुत ही बड़े, बहुत आक्रामक, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस टाइप के जो होते हैं। और दे वर वेरी ह्यूज इन द साइज, तो साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं वो क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पर से इसको पार करके इनको निकलना था। और जैसे ही महिलाएं वहां से निकलना शुरू करती हैं तो वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं, बिकॉज वो ये चाहते हैं कि इससे क्रोकोडाइल थोड़ा जो है घबरा जाएंगे और चीख चिल्लाहट की आवाज़ सुन के जानवर जो है अक्सर दुबक जाते हैं। तो दैट वाज द रीज़न कि वो लोग चीखती चिल्लाती उस पुल पर से गुजरती। और जब वे पुल पार करके जो है जंगल में पहुंचती हैं, सब लोग अपना काम करते हैं। उसी समय जो है सीबिया जैसे जंगल में जाया करती थी तो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बना देती है और उनको एक गुफा में सूखने के लिए रख देती है। तो सीबिया के मन में आता है कि वह जाकर अपने खिलौने संभालाए। तो गांव की अन्य महिलाएं जो होती हैं वो निकल जाती हैं, मतलब चली जाती हैं वापस गाँव में काम करके अपना ख़त्म। और सीबिया जो है वो उसी केव में छूट जाती है पीछे, उसका किसी को ध्यान नहीं आता तो वहीं पर छूट जाती है। अब जब सीबिया को ध्यान आता है कि वह मतलब उससे भी लौटना चाहिए, तो वह जब वापस लौट रही होती है तो वह पुल के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि एक बुजुर्ग महिला होती है जो कि नदी में गिर जाती है और फंस जाती है क्रोकोडाइल के बीच में, और क्रोकोडाइल ने उसका पाँव पकड़ रखा है। और वह मतलब बहुत सारा ब्लड जो है महिला का बह रहा है पानी के अंदर और महिला बुरी तरह से छटपटा रही है छूटने के लिए। तो सीबिया जब ये देखती है तो वह मतलब सीबिया के पास जो है घास काटने का एक बहुत बड़ा औजार होता है जिसे फोक कहा जाता है। ये किचन में यूज़ होने वाला फोक नहीं होता, दूसरा बड़ा होता है जिससे एक कांटा टाइप होता है ना, जिससे घास को इकट्ठा किया जाता है, वो सीबिया के पास होता है। सीबिया जैसे ही उस महिला को जंगल में फंसे हुए देखती है तो वह अपना फोक लेके नदी में कूद जाती है और मगरमच्छ की आंख के अंदर वो सीधा उस फोक को जो है घुसा देती है, जिससे मगरमच्छ तिल मिला जाता है और उसकी बड़ी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से जो है महिला की टांग छूट जाती है। अब सीबिया उस महिला को लेकर उसके घर जाती है और उसे अपने घर छोड़कर जब वह वापस आ रही होती है और पुल पार करने लगती है तो वह देखती है कि नदी के अंदर एक जो है नदी वहाँ पर एक ब्लू बीड पड़ा है, नीला कलर का मोती पड़ा है ब्लू कलर का और चमक रहा होता है। तो वह उसे उठा लेती है, ले आती है। और जब वह घर आती है उसकी माँ बड़ी चिंतित होती है और तब सीबिया उसे सारी बात बताती है और उसकी माँ बहुत खुश होती है, वह और उसकी माँ बहुत खुश होती हैं। और अब सीबिया के पास जो है बीड होता है जिसका नेकलेस बनाकर वो पहन सकती है। तो इट मीन्स कि नेचर ने उसे जो है उसकी सेल्फलेसनेस, जो उसके जो उसने अपने बारे में ना सोचकर भी उस महिला का जो मदद की
बिना अपनी जान की परवाह किए तो प्रकृति ने उसे जो है एक तरह से उपहार में वह ब्लू बीड दिया। तो ये थी स्टोरी ब्लू बीड। थैंक यू।